हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। ऑल उड़ीसा टैक्स एसोसिएशन की तरफ से सीबीडीटी को ड्यू डेट ना बढ़ाने के लिए, लेट फीस लगाने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के लेटेस्ट टैक्स अपडेट आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन हैं जो आपको टाइम पे मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि लीगल नोटिस के बारे में क्या बातें हैं। लीगल नोटिस में जो पॉइंट उठाए गए हैं टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन की तरफ से, वो ये है कि जो ड्यू डेट है, पहले सीबीडीटी ने 31/12/2021 बढ़ाई गई थी और 15/1/2022 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए ड्यू डेट दी गई थी, और ऑडिटेड केस के लिए 15/2/2022 टैक्स ऑडिट रिटर्न भरने के लिए बनाई गई थी। लेकिन बाद में क्या है कि पुराना पोर्टल जो था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, परंतु पता नहीं क्या ऐसी बात हुई कि एक नया पोर्टल बनाया गया जिसमें हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आज तक अपडेट किए जा रहे हैं, जबकि पहले भी हाई कोर्ट ने कहा था कि टैक्स पेयर को जो यूटिलिटीज हैं और वेबसाइट है वो टाइम पर अपडेट करके देनी है, नहीं तो अगर इनकम टैक्स की कोई गलती होती है तो उसको रिटर्न की डेट बढ़ानी चाहिए। एक और बात नोटिस में आई कि नया पोर्टल रिटर्न भरते समय बीच में ही रुक जाता है और पेज ब्लैंक आना शुरू हो जाता है। टैक्स प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसके लिए फेस करनी पड़ रही है। उड़ीसा टैक्स एसोसिएशन ने पहले भी काफी टाइम पर और भी बातें उठाई थी, जिसमें साइक्लोन की प्रॉब्लम भी सीबीडीटी को लिखकर भेजी थी। रिटर्न जो है दोस्तों, भरने से पहले 26AS, AIS आदि फॉर्म जो है चेक करने पड़ते हैं, जिसके अंदर काफी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, जिनको आदमी की रिटर्न के साथ और अकाउंट्स के साथ सीए को मैच करना पड़ता है। तो ये रिटर्न्स अगर मैच ना की जाएं या इनके अंदर गलतियां तो इनको ठीक करवाना होता है, नहीं तो अननेसेसरी जो है रिफंड रुक जाते हैं और डिमांड्स खड़ी हो जाती हैं। परंतु इसमें भी काफी गलतियां हैं और ये डाउनलोड भी नहीं हो रहा, जिससे टैक्स पेयर्स को और टैक्स प्रोफेशनल्स को काफी प्रॉब्लम आती है। टेक्निक ग्लिचेस जो पोर्टल में कभी भी आ जाती है, कोई भी टेक्निकल हेल्पलाइन इसके लिए इनकम टैक्स ने इस डेडिकेटेड बनाई नहीं हुई है। उड़ीसा के अलावा और भी स्टेट्स ने और नेशनल लेवल एसोसिएशन ने भी ये मुद्दा जो है टैक्स सीबीडीटी के पास उठाया था, परंतु ड्यू डेट जो है बढ़ाई नहीं गई। इसके अलावा 234F के अंदर लेट फीस भी जो है अब टैक्स पेयर्स को लगाई गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जबकि जो गलती है डिपार्टमेंट की है। तो इन सारी बातों को देखते हुए जो ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप ड्यू डेट जो है वो नहीं बढ़ाते तो हमें मजबूर होके आपके खिलाफ पीआईएल दर्ज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है अपडेट जो लीगल नोटिस ओडिशा टैक्स एसोसिएशन ने भेजा है सीबीडीटी को। और भी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।